हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का मेरा वीडियो मेरे चैनल पर सबसे पहला स्किन केयर वीडियो होने वाला है, और ये स्किन केयर होने वाला है हम सब के फेवरेट इन्ग्रीडियंट के साथ, जिसका नाम है एलोवेरा जेल। एंड एलोवेरा जेल अगर आपको पता नहीं है तो सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें उसमें मिक्स करके अपने फेस पर एक अप्लाई करते हो एक शेड्यूल में, तो फिर आप अपने स्किन में एक नोटिसेबल डिफरेंस देख सकते हो। ये सारे जो एडेड इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, आपको उन्हें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको एक स्पॉटलेस क्लियर ग्लोइंग त्वचा मिलेगी एलोवेरा जेल की मदद से, देन लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, उसके बाजू में प्लीज़ हिट द बेल बटन, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड नाउ लेट्स फाइनली जंप इनटू द वीडियो। तो शुरू करेंगे हम एलोवेरा जेल के साथ। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जेवा का ऑर्गेनिक एंड प्योर एलोवेरा जेल। आप चाहे तो आपके पसंद का कोई भी एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब एक क्लीन ग्लास कंटेनर में मैं एक टेबलस्पून एलोवेरा जेल और एक टेबलस्पून हनी यूज़ करूँगी। क्योंकि मेरा स्किन सेंसिटिव है इसलिए मैं हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें एक पेस्ट बना लेना है, और इस पेस्ट को हम यूज़ करेंगे एज अ क्लिनज़र। अब एक और ग्लास कंटेनर में एक टेबलस्पून एलोवेरा जेल और थोड़ा सा मिनरल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर ले लीजिएगा और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। प्लीज़ टैप वाटर का इस्तेमाल ना करें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मेक श्योर कि दोनों इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हो। अब तीसरे ग्लास कंटेनर में एक और टेबलस्पून एलोवेरा जेल का लेकर आपको ऐड करना है शुगर। आप चाहे तो राइस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो, और ये बन गया हमारा स्क्रब। अब इस हनी और एलोवेरा जेल के मिक्सचर को यूज़ करेंगे हम एज क्लेंजर, शुगर और एलोवेरा को एज स्क्रब, और वाटर और एलोवेरा को एज अ टोनर, और लास्टली प्योर एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा डैम्प कर लूँगी, और उसके बाद जो हमारा क्लेंजर वाला मिक्सचर है उसको अपने फेस पर लगाना शुरू करूँगी। अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स। एलोवेरा जेल हमेशा से स्किन को सूद करने के लिए जाना गया है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से रेडनेस और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। वो एक नेचुरल क्लेंजर है और पोर्स को भी प्योरीफाई करता है और आपके स्किन को काम डाउन करता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे मेडिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से स्किन हील, सूद और नरिश होती है। इससे आपके एक्ने स्कार्स भी लाइटन होते हैं और उसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जर्म्स के साथ फाइट करते हैं। अब इसको धो लूँगी और अपने फेस को पैट ड्राई करूँगी। याद रखिएगा कि आप प्लीज़ अपने फेस को रब मत कीजिएगा वाइप करते टाइम, मेक श्योर कि आप पैट ड्राई ही करें। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये शुगर और एलोवेरा का जो मिक्सचर है उसे। अब इसे हम यूज़ कर रहे हैं एज अ स्क्रब। शुगर में एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से स्किन के डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं। इससे आपके स्किन को एक क्लीन लुक मिलता है। क्योंकि शुगर एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, इसकी वजह से वो नेचुरली एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ग्रैब करता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जब आप कोई भी शुगर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। सेकेंडली, शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, और ग्लाइकोलिक एसिड को टिपिकली जाना जाता है सन डैमेज और एंटी एजिंग से बचने के लिए, एजिंग से बचने के लिए। एलोवेरा में नेचुरली प्रॉपर्टीज़ होती है हीलिंग के, और वो आपके पोर्स को भी क्लेंस करता है। अब क्योंकि विंटर का सीज़न है इसलिए मैं अपने लिप्स को भी एक्सफोलिएट कर रही हूँ यहाँ पर, और फिर मैं वापस अपने फेस को धोकर उसे पैट ड्राई कर लूँगी। अब नेक्स्ट लूँगी मैं इस टोनर के मिक्सचर को, जो कि है
वाटर और एलोवेरा का, और उसे एक कॉटन पैड या आप कॉटन बॉल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। वाटर से आपका पीएच बैलेंस मेंटेन होता है और आपके स्किन में हाइड्रेशन बनी रहती है, और इसकी वजह से आपके स्किन के पोर्स भी टाइटन हो जाते हैं। एलोवेरा में नेचुरली पोर क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए वो आपके पोर्स के अंदर के डर्ट को क्लीन कर देता है। अब लास्टली हम एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे एज अ मॉइस्चराइज़र। जैसा कि आपको पता है, एलोवेरा में हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसकी वजह से वो एज अ सोल इंग्रेडिएंट आप मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इस मॉइस्चराइज़र को जेनरसली अप्लाई करके मैं अपने फेस पे पैट करूँगी। इस मोशन से होता ये है कि आपके फेस की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। आफ्टर दिस प्रोसेस आपको चले जाना है बेड पर और आप वेकअप करोगे एक ग्लोइंग स्किन के साथ। तो अच्छी लगी वीडियो कि किस तरह से एलोवेरा और अपने ही किचन में मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर आप एक बहुत ही खूबसूरत सी त्वचा पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस पूरे प्रोसीजर को आपको एटलीस्ट 7 days देना है। अगर आप 7 days रेगुलरली इसको अपने घर पर करते हो, देन आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि आप एक नोटिसेबल डिफरेंस देख सकते हो। प्लीज़ 1-2 दिन में ऐसा मत कीजिएगा कि अरे कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है, अरे कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है। प्लीज़ गिव 7 days, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये कोई केमिकल्स नहीं है। सो प्लीज़ इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। एंड या आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye!